Students, how are you all? Welcome to the SST class. We are doing Civics Chapter 3, State Government, which is in your midterm syllabus. Last video में हमने पढ़ा MLAs, Chief Minister के बारे में और कुछ Chief Ministers की powers के बारे में. In today's video, we will read about function of Legislative Assembly and State Legislative Council. So let us continue the chapter. Functions of Legislative Assembly. The main function of Legislative Assembly is to make laws. इसके कुछ steps होते हैं. सबसे पहला है proposal of bill or to amend an existing one. यानी कि एक नए law के लिए proposal, जिसको भी कि bill बोलते हैं, उसको रखा जाता है, introduce किया जाता है. या फिर existing law में जो भी law बन चुका है उसमें अगर जो कुछ changes करने हैं तो उसका भी प्रपोजल रखा जाता है. ये प्रपोजल दोनों ही हाउसेज में रखा जाता है. इस प्रपोजल के बारे में डिस्कशंस और डिबेट्स होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ द असेंबली. अगर कोई मेंबर ऑफ द असेंबली इसमें कोई सजेशन देना चाहता है, कोई अमेंडमेंट करना चाहता है इस बिल में या प्रपोजल में, वो अपना सजेशन दे सकता है. नेक्स्ट इज सब डिस्कशन होने के बाद बिल को वोट के लिए रखा जाता है. नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द अप्रूवल बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली, ये बिल दूसरे हाउस में सेंड कर दिया जाता है जहाँ पर कि सेम प्रोसीजर चलता है. अगर किसी स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है तो फिर ये बिल सीधा गवर्नर के पास भेज दिया जाता है और उसके बाद ये गवर्नर की अप्रूवल के बाद ये बिल लॉ बन जाता है. कुछ केसेस में असेंबली से पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है गवर्नर के थ्रू कुछ कंसल्टेंसीज के लिए और उसके बाद वो लॉ बन जाता है. इसका नेक्स्ट पार्ट है मनी बिल जो होते हैं, मनी से रिलेटेड जो बिल्स होते हैं वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही डिस्कस किए जाते हैं और जो बाकी के बिल्स होते हैं, जो बाकी के लॉज होते हैं अदर देन मनी बिल, मनी से रिलेटेड, वो दोनों हाउसेज में डिस्कस किए जाते हैं. सो दैट वॉज हाउ द बिल बिकम्स लॉ. नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ बजट. बजट एक फ्यूचर अकाउंट होता है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट बनाती है अपने एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में असेंबली को बताने के लिए. द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस दिस बजट. इस बजट पे फिर पूरी असेंबली में डिबेट होता है और फिर वोट के लिए रखा जाता है और मेजॉरिटी मिलने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है. कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव्स. चिल्ड्रन चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास काफ़ी पावर्स होती हैं तो उनको मनमानी करने से रोका जाता है और वो कौन रोकते हैं, असेंबली के बाकी मेंबर्स, बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग अबाउट द फीडबैक ऑफ देयर पॉलिसीज विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. सो दिस इज हाउ दे कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स. नेक्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, अपर हाउस. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये हर एक स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की 6 स्टेट्स में अवेलेबल है और वो स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना. इसके मेंबर्स को पीपल या लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट होते हैं सम डिफरेंट बॉडीज ऑफ द स्टेट जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायती राज एंड ऑल. इसके मेंबर्स परमानेंट बॉडीज होते हैं यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको रिज़ाइन नहीं करना पड़ता. ये सिक्स इयर्स के टर्म्स के लिए अपॉइंट होते हैं एंड 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर और ये मेनली एडवाइजरी बॉडी होते हैं जो कि सिर्फ एडवाइज करते हैं. सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. असाइनमेंट रिलेटेड टू video is uploaded in your school website. Complete it and give a thorough reading to the chapter. Thank you and have a nice day.